पिछले कुछ समय से मलेशिया भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे थे। पीएम महातीर ने पहले अनुच्छेद 370 और अब नागरिकता कानून को लेकर भारत सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। बता दें कि महातीर ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया है। उसके बाद सीएए को लेकर महातीर ने कहा कि भारत सरकार अशांति को बढ़ावा दे रही है, जिसके बाद भारत ने मलेशिया को संभल कर बोलने की चेतावनी दी थी और भारत ने सख्त रुख दिखाते हुए मलेशिया के साथ व्यापार को कम कर दिया। भारत सरकार ने मलेशिया के रिफाइन पाम ऑयल और पामोलिन के आयात पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद मलेशियाई बाजार में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत मलेशिया का सबसे बड़ा ग्राहक था। पाम ऑयल के बाद भारत ने माइक्रो प्रोसेसर चिप पर भी रोक लगाने की तैयारी में है। मोदी सरकार के फैसले से मलेशिया को ऐसा झटका लगा कि मलेशिया ने इस बारे में भारत से बातचीत शुरू कर दी है। मलेशिया की प्राइम इंडस्ट्री मिनिस्टर टेरेसा कॉक ने कहा कि वह इस बारे में भारत से बात कर रही है। उन्होंने कहा कि वह इस मसले पर मलेशिया में भारत उच्चायुक्त से संपर्क में है। भारत के फैसले से हम काफी चिंतित हैं। फिलहाल मलेशिया भारत के सामने गिरगिरा रहा है। मलेशिया के लिए पाम ऑयल कारोबार कितना महत्वपूर्ण है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि वहां की जीडीपी में 2.5% और कुल निर्यात में 4.5% हिस्सा है। बहरहाल मलेशिया को अब समझ आ गया है कि ये न्यू इंडिया है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी करे फैसले लेने में देर नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।